की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। कल सुंदर साथ जी, हमने रंग महल की पांचवी भोग की शोभा को देखा था। ये हमारा पूरा रंग महल, नौ भोग, दसवीं आकाशी। आशीष, मेरा एरो ठीक आ रहा है ना? सुंदर साथ को छोटा ना देखे। पहली भोग, दूसरी हाँ जी, भोग, ठीक बिल्कुल सही है। है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो आज हमने दोबारा से, कल पांचवी भौम समझी थी, लेकिन आज फिर से हम पांचवी भौम चलेंगे। तो पांचवी भौम के लिए मैं दूसरा वो डालती हूँ नक्शा। पांची भोम हमने आना कैसे है वो एक बारी कल फिर से देखते हैं। हमारे जो नौ फिरावे हैं, ये सुंदर साजी हमने देखे थे। रंग महल के 201 हांस, यानी कि पूरी चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं के अंदर, मतलब कि भोम के अंदर, धाम दरवाजे को पार करके जब हम अंदर आते हैं तो गोलाई में घेर के क्या क्या शोभा आई थी, वो नौ फिरावे। ये आठ फिरावे तो ये हो जाएंगे, चार चौरस चार गोल, चार चौरस चार गोल, चार चौरस चार गोल, ऐसे ये आठ फिरावे। ये हम पांचवी भूमि में हैं। तो आना कैसे है? वैसे ही रसोई की हवेली की सीढ़ियों वाले मंदिर से जब हम आएंगे, तो मान लो ये रसोई की सीढ़ियों वाले मंदिर से हम ऊपर आए तो यहीं पे पहुंचेंगे ना, चौरस हवेली के ऊपर चौरस हवेली है। तो बाहर निकलना है, सीढ़ियों वाले मंदिर से हमने बाहर निकलना है। बाहर निकलेंगे तो ये हमने पूरी 36 हवेलियां या नौ चौक पूरे पार कर लेंगे। तो ये हमारी फुलवारी आएगी यहाँ पे, बाग बगीचे, नहरें, जय बच्चे, ये सब। और ये रंग महल का सबसे सेंटर पॉइंट, जो रंग परवाली मंदिर, पांचवी भोम, नौ चौक, नौ चौक के अंदर सेंटर में रंग परवाली मंदिर, और कॉर्नर पे ये पानी के स्तून जा रहे हैं। तो यहां से हमने चलना है, तो नौ चौक के पास पहुंचते हैं। उसके लिए दूसरा नक्शा देखते हैं। अब हम कहाँ पहुंच गए, ये नौ चौक। सब सुंदर साथ को ये दरवाजे नहीं समझ आ रहे थे, कल एक क्वेश्चन भी आया था, तो पहले हम उसको क्लियर करते हैं। तो वैसे भी रिवाइज करना था अपन ने। तो ये हमारे नौ चौक, यानी कि तीन की तीन हारे, सेंटर में जो अभी बड़ा नक्शा देखा था कि सेंटर में नौ चौक आए हैं और इसके बाहर हमारी फुलवारी आई है। तो नौ चौक की कैसे है, यहाँ पे 24 दरवाजे, यानी कि तीनों चौक के आगे 24 दरवाजे हैं। तो एक चौक के कितने दरवाजे होंगे,
8 दरवाजे हर दिशा में, यानी कि पूर्व में भी 24 दरवाजे, दक्षिण में भी, पश्चिम में भी और उत्तर में भी, चारों दिशाओं में 24 24 दरवाजे आए हैं। अब हमें ये देखना है कि रंगपरवाली मंदिर है कहाँ, तो वो है ये सेंटर वाले चौक में, सेंटर वाले चौक का भी सेंटर, बीच वाले चौक का भी सबसे मध्य, इसीलिए बोला है मध्य रंग पर वाली मंदिर। रंग महल का मध्य क्या हुआ? नौ चौक। नौ चौक का मध्य क्या हुआ? सेंटर वाला मध्य वाला चौक, फिर उसका भी मध्य इस बिल्कुल सेंटर में मध्य। तो यहाँ पे हमारा रंग पर वाली मंदिर है। तो हमें कितने चौक पार करने पड़ेंगे? एक तो पूरा और एक आधा, तो ये चौक पार करने पड़ेंगे। हर चौक में 12,000 मंदिर हैं, यानी कि इसमें भी 12,000 मंदिर हैं, इसमें भी 12,000, सब चौकों में 12,000 हमारे शयन के मंदिर हैं। अब राजजी महाराज का, श्यामा महारानी का जो यहाँ मंदिर है शयन का, वो यहाँ सेंटर में है, तो हमें यहाँ पे सेंटर में चलना है। तो एक चौक को कैसे पार करना है वो अब देखते हैं। एक चौक की शोभा देखते हैं, ये वाले चौक की, क्योंकि हमें आना सेंटर वाले चौक से है, इजी रहेगा। यहाँ से दूसरे चौक से नहीं आएंगे, मध्य वाले चौक से आएंगे तो पूरा डेढ़ चौक पार कर लेंगे। अब एक चौक की शोभा को समझते हैं। ये हमारा पूरा एक चौक। अब एक चौक में सबसे पहले ये देखना है कि इसमें हवेलियां कितनी आई हैं। आठ हवेलियों की आठ हारें, ये देखो ये चौरस चौरस दिख रहा है, और जूम करती हूँ मैं, ये हमारी ये चौरस है। तो आठ हवेलियां एक साइड, इसकी आठ हारें, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ, तो आठ हवेलियों की आठ हारें, ये जो चौरस चौरस है ये हवेलियां। अभी बाकी चीजें बताते हैं कि ये सब क्या है। तो टोटल एक चौक में कितनी हवेलियां हो गई? 64 हवेलियां। अब इन 64 हवेलियों के सारे मंदिर टोटल गिनेंगे एक चौक के, तो पूरे 12,000 मंदिर हैं। हमें बिल्कुल सरलता से समझना है, ये नहीं समझना कि भाई इतने यहाँ कितने मंदिर आए हैं, साइडों में कितने मंदिर आए हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे पूरे मंदिर हैं यहाँ पे इस चौक में, बस उस मोटी शोभा को देखना है कि हमें दौड़ के रंग पर वाली मंदिर कैसे पहुंचना है। तो पूरे 64 हवेलियां एक चौक में, तो नौ चौकों में भी सेम वैसे ही जानो जैसे इस चौक में है। तो एक को समझ लेंगे तो बाकी की शोभा, लेकिन जो रंग पर वाली मंदिर है वो मध्य वाले में है, बाकियों में सिर्फ ये वाले हवेलियां आएंगी। अब हमने ये समझना है कि दो पुड़ा किसको कहते हैं, जिसके दो रास्ते हों, ये कॉर्नर वाले। अब जो कॉर्नर में दीवार के पास जो होएगा रास्ता, उसके दो रास्ते होंगे, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर, तो चार कोने पे हमारे दो पुड़े हो गए, ये चार कोने वाले। ये चार कोने वाले, ये हमारे चार रास्ते ये वाले, तो इनको क्या कह देते हैं? दो पुड़ा। और त्रिपुड़ा कितना कहते हैं? ये तीन रास्ते, ये वाला देखो, ये रहा एक दो तीन चार पांच छः सात, तो ये वाले तो हमारे दो पुड़े हैं। किरण दीदी आपका अनम्यूट हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है किरण दीदी? ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये हमारे दो पुड़े, ये वाले कॉर्नर वाले, एक हवेली के कॉर्नर वाले ये दो पुड़े, और बीच वाले ये जो तीन रास्ते वाले इधर एक दिशा में। अब सब काउंट अपने आप कर लेंगे कितने हैं, आठ हवेली हैं तो यहाँ कितने होंगे, क्योंकि गिनती नहीं गिननी, बस थोड़ा सा समझना है कि ये त्रिपुड़े हो गए चारों दिशाओं में, ये वाले त्रिपुड़े हो गए। और चौपुड़े का क्या मतलब होता है? कि जिसके चार रास्ते हों, चौराया हो। ये बीच वाला जो ये बना हुआ है ना चार रास्ते वाला, ये चौपुड़ा है। इसके देखो इधर से भी रास्ता जा रहा है, इधर से भी और इधर से भी,
तो ये सेंटर वाले हमारे हो गए चौपुड़े, यानी कि इस हवेली में हम त्रिपुड़े से जाएंगे, त्रिपुड़े इतने आएंगे और ये चौपुड़े चार हवेलियों के बीच में ये जो आएगा ये चौपुड़ा हो जाएगा। तो सब अपने हिसाब से काउंटिंग कर सकते हैं कि कोने वाले 2 पुड़े 4, और ये हमारे जो त्रिपुड़े हैं 28, और चौपुड़े हमारे सत्तू सत्तू 49 चौपुड़े हो जाते हैं। तो अपने घर में भी हम देख सकते हैं इसको कि एक हवेली में यदि 8 हैं, कॉर्नर वाले 2 पुड़े हैं और ये वाले हमारे 3 रस्ते वाले त्रिपुड़े हैं। अब हम समझते हैं अब अंदर चलना कैसे है। ये हमने एक शोभा ये देखी एक चौक की, कि इसमें कितनी हवेलियां आई थी, 64 हवेलियां, और 2 पुड़े कॉर्नर में आए थे, फिर त्रिपुड़े यहाँ पे चारों दिशाओं में कॉर्नर वाले आए थे, और चौपुड़े हर हवेली के बीच में जहां जहां चौक बनता है तो चौपुड़े हो जाते हैं। तो अब एक चौक को समझते हैं कि कैसे अंदर चलना है। ये और दरवाजों का एक बारी और समझते हैं कि ये जो हमारी पूर्व के दिशा के जो दरवाजे थे बड़े दरवाजे, वो 24 बड़े दरवाजे आए हैं। जैसे अपना रंग महल का बड़ा धाम का दरवाजा है ना, बड़े दरवाजे 24, तो उसमें से एक चौक में कितने दरवाजे आ जाएंगे, 8 दरवाजे, ठीक आठ है ना। वो 8 कैसे होंगे, ये देखो 8 हवेलियां हैं पूरी एक साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हवेलियों के सामने 8 बड़े दरवाजे, ठीक है। तो अब अंदर चलते हैं, अब हम वो कैसे चलना है उसको समझते हैं। सबको ये बात समझ में आ गई कि 2 पुड़ा किसको कहते हैं, 3 रास्तों को त्रिपुड़ा कहते हैं और 4 रास्ते वालों को चौपुड़ा कहते हैं। तो अब चलते हैं हम अंदर। अभी हमने समझा कि एक हमारी चौक के पूरे 8 दरवाजे हैं। अब ये नक्शा छोटा है, इसमें खाली 2 हवेलियां हमें नजर आ रही हैं, यानी कि 2 हारे, 2 हवेलियों की 2 हारे नजर आ रही हैं, लेकिन वैसे कितनी है, 8 हवेलियों आठ की आठ आठ हवेलियों हारे की 8 हारे। आठ हारे, ठीक है। तो 64 हवेलियां आती हैं एक चौक में। अब नक्शा इतना बड़ा नहीं बना सकते, इसलिए समझाने के लिए हमें ये 2 दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 पुड़े देखो, अब समझने के लिए ये 2 रास्ते जा रहे हैं, देखो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। त्रिपुड़ा में कितने रास्ते जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं। और अब समझना है जुड़ाफे वाला मंदिर कहते किसको है। वाणी में आता है जुड़ाफे वाला मंदिर, और नक्शों में भी हम पढ़ेंगे तो जुड़ाफे वाले मंदिर। जुड़ाफे वाले मंदिर का मतलब होता है कि बीच वाली दीवार सांझी हो, सांझी से मतलब बिल्कुल कंबाइंड दीवार उस मंदिर की और इस मंदिर की। क्लोज करते, जैसे ये 2 मंदिर हैं, लेकिन जो बीच वाली दीवार है ये इसकी कंबाइंड है, जो उस मंदिर को भी लगती है इस मंदिर को भी लगती है। तो जो 2 पुड़ा और त्रिपुड़ा वाले जो मंदिर होते हैं, ये हमारे जुड़ाफे वाले मंदिर है ये वाले, ठीक है। ऐसे ही 2 पुड़े त्रिपुड़े के साथ जितने भी मंदिर आएंगे, जैसे त्रिपुड़ा है तो इधर भी मंदिर जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, तो ये वाले मंदिर हमारे जुड़ाफे के मंदिर हैं, कि इन मंदिरों की दीवार बीच वाली एक ही दीवार है। अब हमने अंदर कैसे चलना है, सब सुंदर साथ को पता लग गया कि 8 दरवाजे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 36 हवेलियों को पार करके हवेलियों की और क्या कहते हैं फुलवारियों की शोभा को देखते हुए अब मैं यहाँ पहुंच गई। पूर्व की दिशा में हम सब सखियां मिलके चलेंगे राज्य के साथ। ये मेन ये पहला दरवाजा ये आ गया, पहले दरवाजे से हम अंदर गए, तो अब मुझे सीधा रास्ता पकड़ना है, हाईवे पकड़ना है। तो अपनी दिशा मैंने दक्षिण की दिशा में, 2 थंबों की हार 3 गलियां देखी, तो अपना मुख दक्षिण की दिशा में करके ये त्रिपुड़ा वाले यानी कि टी पॉइंट वाले चौक पे मैं आ गई। तो हम सब मिलके फिर से बीच वाली गली को लेके, एक बीच में हमारे चौपुड़ा भी आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पहुंचे इस त्रिपुड़ा में, यानी कि हमने पूरा चौक पार करना है, पूरी 64 हवेलियां आसपास देखते हुए पूरा चौक पार कर लेना है।
तो एक त्रिपुरा हमें नजर आएगा यहाँ पे। फिर मैंने देखना है, यहाँ तो अभी मेन बड़े वाला दरवाजा नजर नहीं आ रहा, तो अपना मुख कैसे कर लेना है हमने, उत्तर की दिशा में कर लेना है, क्योंकि दरवाजा ये बड़े वाला इधर है। तो यहाँ से निकल के एक चौक हमारा पूरा पार हो गया। अब कितना चौक पार करना है हमें, आधा चौक और आधा पार स्टॉप। करना है। ठीक है, आधा चौक पार करने के लिए फिर से उसी दरवाजे से बाहर निकली, तो मैंने यहाँ पे अपने आप को देखा, हम सब यहाँ मिलके यहाँ खड़े, तो फिर से वही दरवाजा मुझे नजर आएगा कि सामने, क्योंकि दरवाजे के सामने देखो, पूरा दरवाजे के सामने वैसे ही दरवाजा नजर आ रहा है पूरी। हम बीच में से भी जा सकते हैं, ये सुंदर साथ ना सोचें कि यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि ये बीच वाला बड़ा दरवाजा, ये सब बड़े दरवाजे, लेकिन ये है कि हवेली के बीच में से जाना पड़ेगा, फिर चबूतरे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, तो इसलिए हमने सीधा रास्ता पकड़ा है, सीधा बाहर निकल जाएंगे। तो फिर से हम यहाँ आधा चौक कैसे पार करेंगे, यहाँ पे खड़े हैं, तो फिर से यहाँ गए, अंदर आ गए, दो थंबों की हार तीन गली में, फिर अपना मुख दक्षिण की तरफ से कर लिया और त्रिपुरा के चौक में आ गए, और फिर से ये आधा चौक पार करेंगे, तो ये हमारा रंगपरवाली मंदिर। रंगपरवाली मंदिर, दो मंदिर का लंबा चौड़ा, और ये एक चौपड़े में रंगपरवाली मंदिर आएगा, जहां पे यानी चौराया होता है ना, उसके बीच में दो मंदिर का लंबा चौड़ा ये मंदिर रंगपरवाली, लाल रंग का मंदिर, जिसकी चारों दिशाओं में चार बड़े दरवाजे। तो हम सब राज्य के साथ जब आ रहे हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन राज्य के साथ जैसे सुबह हम सब अपने मंदिरों से उठते हैं तो उत्तर के दरवाजे से अंदर आते हैं, जैसा वाणी में लिखा है, सब अष्ट पहर की सेवा में लिखा है, तो उत्तर के दरवाजे से हम आते हैं अंदर। और एक और बात कि जरूरी नहीं इस रास्ते से आना है, तो हम इधर दक्षिण से भी आ सकते हैं, कि इस रास्ते से आए, ऐसे मुड़े त्रिपुरा से, फिर ऐसे सीधा चले गए, तो ऐसे करके इधर से बाहर निकल जाएंगे। कोई भी गेट ले सकते हैं, आठ बड़े दरवाजे हैं, कोई भी दरवाजा हम ले सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि बड़े दरवाजे हैं, तो हम चितवन के द्वारा आराम से जा सकते हैं। तो रंगपरवाली की शोभा का वर्णन मंदिर का कल हुआ था कि लाल रंग का, और सिंहासन अंदर है हमारे शयन के, और ये हमारे सब शयन के मंदिर। राज्य के साथ जब हम राज्य को यहाँ पे छोड़ते हैं तो सोचते हैं राज्य हमारे साथ नहीं है, हम सब अपने मंदिर में जा रहे हैं, तो जैसे ही हम अपने शयन के मंदिर में जाते हैं तो राज्य पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं, हमारा इंतजार कर रहे थे। यानी हम ये सोच के, हमें खुश एकदम खुशी होती है कि मैं ये सोच के आ रही थी कि राज्य मेरे साथ नहीं है, लेकिन राज्य तो पहले से ही हमारा इंतजार करते हैं। तो चौपाई आती है ना, हमसे पहले आए श्री राज, इसके कई भाव हैं कि राजी महाराज इस दुनिया में भी जब हमारे आने से पहले यहाँ आ गए थे। हमें लाड देने के लिए राजी कितने तरीके अपनाते हैं कि राजी किसी तरह से रूहें खुश हो जाए, हर चीज में पहले हाजिर रहते हैं राजी हमको लाड देने के लिए। तो ये हमारा रंग परवाली मंदिर। अब हमने पांचवी भूमि सबको अच्छे से समझ आई, यहां से हम चलेंगे छठी भूमि। पांचवी से छठी चलेंगे, तो छठी चलने के लिए हमने बैक कैसे आना है, मतलब कि सोचो हम यहाँ अपने मंदिरों में सुबह उठे, सुबह उठ के फिर से राजजी महाराज के साथ हम राजजी के पास जाते हैं रंग परवाली मंदिर में, उत्तर की दिशा से। उत्तर की दिशा से हम राजी के पास गए, राजी को प्रेम से उठाया, यहाँ सब प्रेम की लीला, जो भी कुछ होएगा सब प्रेम वाली लीला, उसमें कोई शरीयत और तरीकत वाली लीला नहीं, या मार्फत की, क्योंकि ये रंग परवाली मंदिर हमारा राजी के साथ प्रेम की लीला, वैसे तो पूरे परम धाम में प्रेम की लीला है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास ही लीला, सुखलेवे सारी रात, सुखलेवे सारी रात, ये सब रूह की अपने अपने सुख हैं, सब ये अंदर से लेने की बात है, सब रूहों को लेना है राज्जी के साथ आनंद, तो ये सब पर्सनली सुख राज्जी और रूहों के साथ। तो
तो अब हम यहाँ से वापस आएंगे, तो मधु भाभी हमारे साथ हैं, तो इसको रिवाइज करेंगी, वो हमें कहाँ तक पहुँचाएंगी, रसोई की हवेली तक, वापसी, क्योंकि वहां से हमने चलना है छठी भूमि में। बड़े प्रेम प्रेम से मैं वो नक्शा डालूंगी मधु भाभी। दीदी, मधु दीदी नहीं आए, आरती को होस्ट है। हाँ जी, कौन है आज, कौन है आशु, कौन है साथ में हमारे, आरती है, आरती आरती है। आरती। अच्छा आरती आप बोलेंगे, आरती आरती आवाज आ रही है मेरी, आवाज नहीं आ रही उनको मेरी, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। किरण दीदी आप हमें जी लेके चलो बाहर, नौ अच्छा चौक जी से बाहर। ठीक है। हाँ नक्शा करोगी कि ऐसे ही करो, हाँ जी हाँ जी, नक्शा हाँ बिल्कुल, आप दिखाते बताओ जाओ। कौन सा नक्शा डालूँ मैं, कौन सा, हाँ वही पहले वाला अपने नक्शा, डाल दो ये ठीक मंदिरों है। वाला। हाँ 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 जी ठीक हाँ जी है सुंदर दीदी। साहब जी, हम पूरी रात सुख लेंगे राजी के साथ, छुपाई भी कह रही है। अब कहूँ रे प्रेम इतको, सुख लेवे चाहे अचित को, सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। अपने अपने मंदिरों से रात को सुख लेते हैं, और राजी तो फिर मार्फत रूप है, रूहों के अंदर ही चले जाते हैं। रूह जो है फिर से कैसे रंग परवाली मंदिर में आ जाती है। रंग परवाली मंदिर में राजी हैं, श्यामा जी हैं, हम उनका दीदार करते हैं। अब सभी सखियां मिल करके हम रंग परवाली मंदिर से चलते हैं, उत्तर के दरवाजे से हम बाहर आए, चौक इस चौक से हम आएंगे। अब आगे जुड़ाफे के मंदिर के साथ साथ दो थंब तीन गलियां हैं, इन बीच की गली से हम निकलेंगे। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे त्रिपुरा आएंगे, तीन त्रिपुरे आ जाएंगे, और इन त्रिपुरों को पार करेंगे हम, फिर चौथा आएगा। चौथे त्रिपुरे के साथ ही हम थोड़ी सी बीच की, दो थंब तीन गली है, बीच की गली से हम आएंगे, तो बड़े दरवाजे से, बड़ा दरवाजा है, साथ में ही अब हम दूसरे चौक में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि ये आधा चौक है। इसके साथ ही जैसे हम जाएंगे, जैसे हम ऊपर के चौक, त्रिपड़े चौपड़े सभी पार किए, दो थम तीन गलियों के बीच में चलते हुए पूरा चौक जो है हमने पार कर लिया। जैसे ही हम चौक के बाहर आए तो हमें क्या दिखाई दिया, 28 थंब की गोल बगीचे, फूलों की फुलवाड़ियां। उन फुलवाड़ियों को देख करके हमने, अब कहाँ चले हम, उत्तर की दिशा में ही, जो बाहर दो थम तीन गलियां आएंगी उनमें से हम चलेंगे। बीच की गली जैसे ही नौ चौक पार होंगे, जो पहली गली दो थम तीन गलियां हैं उसमें से अब हमने हाईवे का रास्ता जो है वो पकड़ लिया, क्योंकि चौरस हवेली जहां रसोई की हवेली है वहां हमने जाना है। ऐसे ही बीच की गली से हम निकलते हुए आएंगे, तो जहां पर रसोई की हवेली है हमारा कहां पर है, बीच में सीढ़ियां वाला मंदिर, श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, उत्तर की मेहराब से अंदर यहाँ जाएंगे, दक्षिण की तरफ से वैसे जाएंगे, तो अब उत्तर की से अंदर जाएंगे, बटन करेंगे तो हम पांचवी भौम से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाना है हमने, क्योंकि हमारी छठी भौम कहाँ पर है, ऊपर। छठी भौम में हमने जाना है, पर जाना कहाँ पर है, अभी ऊपर जाएंगे तो छठी भौम आ जाएगी। छठी भौम में अब देखना है कि सुखपाल हमारे कहाँ पर है। इन सुख ये सुखपाल जो हैं, ऐसे ही हम यहां से निकलेंगे और 28 स्तंभ के ऐसे जाते हुए, दूसरी गली से निकलते हुए 28 स्तंभ के द्वार से निकलकर 28 स्तंभ के चौक में आएंगे, और देखेंगी 6,000 मंदिरों की हार, दो थम तीन गलियां, 6,000 मंदिरों की हार, दो थम तीन गलियां, इसकी शोभा जो हमारी मीनू जो है वो बताएगी। जी सुंदर साहब जी, अब हमने चलना है छठी भौम। छठी भौम में क्या शोभा हमने याद करी थी, शुरू से स्टार्ट करते हैं।
पहली भौम में रसोई की हवेली और मूल मिलावा, दूसरी भौम में भुलवनी, तीसरी भौम में खड़ोकली, तीसरी भौम में पड़साल, चौथी भौम में निरत की हवेली, पांचवी भौम में रंग परवाली मंदिर यानी शयन के मंदिर, छठी भौम में ये हमारे सुखपाल के ठहरने का स्थान यानी कि सुखपाल के गराज और तख्तरवा के भी स्थान कि कहाँ रुकते हैं। अब हमने ये सबसे पहले समझना है कि नीचे जहां पड़साल आई थी वहीं सेम उसके ऊपर वैसी ही पड़साल, धाम दरवाजे के ऊपर वैसे ही दरवाजा छठी भौम में है और वैसे ही ये देखो चार मंदिर इधर चार इधर, तो सब ये याद करते जाएंगे कितने मंदिर का ये वाला हांस था हमारा धाम दरवाजे का, 10 मंदिर का एक हांस और उसके 2 मंदिर का हमारा दरवाजा और चार चार मंदिर ये चार इधर, 8 और ये 2 10, तो 10 मंदिर का जो एक हांस बनता है वो ऐसे बनता है। तो सेम मंदिर की पड़साल की जगह पड़साल, दरवाजे के ऊपर दरवाजा और ये चार मंदिर की जगह वैसे। अब ये मंदिर अलग से शोभा इसलिए है क्योंकि जब हम इस यहाँ से पड़साल में आते हैं तो क्या इसमें शोभा नहीं है जो बाकियों में है, यहाँ पे झरोखा नहीं है यानी कि 2 दरवाजे थे यहाँ पे, 6 जाली द्वार थे और एक झरोखा भी बीच में आया था। अब यहाँ पे क्या है, 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार और बीच वाली जगह पे भी कैसे आएगा किरण दीदी, 2 दरवाजे 6 जाली द्वार, हाँ है ना, द्वार बने हुए ना, बाकी बीच में झरोखा तो नहीं है यहाँ पर, हाँ झरोखा नहीं है इस, हाँ झरोखा नहीं, तो वहाँ सिंपल दीवार होगी उस जगह पे, हाँ हाँ, हाँ उस जगह प्लेन दीवार यहाँ वाली जगह पे, क्योंकि ये हर जगह ऐसी है, दूसरी भूम में भी यही शोभा रहेगी, तीसरी मेराबे बनी हुई है ना अक्सी मेराब, तीसरी भूम में तो यहाँ पे क्या था हमारे सब याद करें, यहाँ थी ढलान, ढलान कितनी बड़ी हो गई थी, ये 2 मंदिर का ये हमारा दरवाजा ले लिया और एक एक मंदिर यहाँ से ले लिया था तो पूरा 4 मंदिर की लंबी ढलान हो गई थी, और जो बीच वाला मंदिर था नीलो ना पीलो बीच के रंग का जो मंदिर था ये हमारा यहाँ पे राजी यहाँ पे आराम करते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे हम रिवाइज करते जाएंगे तो याद रहेगा कि दूसरी भूम में क्या था, तीसरी भूम में कैसी शोभा आई थी, चौथी भूम में कैसी शोभा आई थी, तो अपने चित्त में वो चीज अखंड होती जाती है कि ऐसे ऐसे शोभा आई है, बोलने से ये ठीक रहता है। तो अब हमने ये देखना है कि जहां मंदिरों की ये जो पहली हार थी ये वाली सेम वही के वही वैसे ही मंदिरों की हार आई है, कितने मंदिरों की हार आई थी घेर के, 2 मंदिरों की हार, 6,000 मंदिरों की 2 हारे, देखो एक येरी एक येरी, और बीच में क्या था हमारा 2 थंबों की हार 3 गलियां, तो पहली गली में हमारे ये सुखपाल खड़े हो जाते हैं, बाकी ये 2 गली हमें दिख रही है, ये बीच में हमारे 2 थंबों की हार थी तो गलियां नेचुरली 3 हो जाती हैं, तो जो पहली वाली गली है ना जो मंदिरों के साथ होती है उसमें हमारे सुखपाल, तो दीदी ये 12,000 सुखपाल है टोटल, नहीं नहीं ये छह हजार एक ठीक है, ये हमारे 6,000 सुखपाल, देखो सुंदर साहब जी मुझे इतना याद नहीं होता इसलिए हमारे साथ सब सुंदर साहब मिलके चलेंगे कि एक दूसरे की चीज को हम समझा सकें, तो ये हमारे 6,000 सुखपाल, एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती हैं, और यहाँ पे तो जो तख्तरवा है इसका स्थान कहाँ पे है, ये देखो अब दरवाजे की जगह दरवाजा, मंदिर की जगह मंदिर, फिर हम अंदर आते थे तो एक गली आती थी और 28 स्तंभ का चौक आता था, तो 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा हमारा। अब हम सुंदर साथ के मन में ये क्वेश्चन होएगा कि यहाँ तो मंदिर है तो तख्तरवा अंदर कैसे लगेगा,
तो जब तक तरवा आता है तो ये मंदिर यहाँ से सब जगह प्लेन हो जाती है, वहां तो सब चेतन है। फिर जब तक तरवा यहाँ पे ठहर जाते हैं तो वैसे मंदिर की जगह मंदिर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही सुखपाल ने यहाँ रुकना है तो मंदिर उस जगह से बिल्कुल प्लेन हो जाएंगे, तो हमारे सुखपाल अंदर आ जाएंगे तो मंदिर की जगह मंदिर ऑटोमेटिकली वैसे ही खड़े हो जाएंगे। तो ये सुखपाल हमारे 6001 तक एक हमारा तकतरवा, उसमें इंक्लूड है ना तकतरवा 6001, इसीलिए कहते हैं 6000। नहीं नहीं 6001 सुखपाल है, 6000 में सखियां बैठती है, एक में राजीव श्यामा जी बैठे। ओके 6001 खाली सुखपाल और तकतरवा एक अलग है ना दीदी, ये ठीक। हाँ जी हाँ जी, तकतरवा एक ही एक अलग है। अब हम देखते हैं कि सुखपाल कैसे आए हैं और तकतरवा की शोभा कैसे आई है। जिस सुंदर सात को ये पता है कि दो मंदिरों की हार है, दो थंबों की हार, तीन गलियां हैं, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए नीचे वाला हमने दो तीन बार अच्छे से समझा कि नीचे वाली स्थिति पता होगी तो हर भूम की जो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं वो पता लगते जाते हैं। तो हमारी पहली गली में सुखपाल के ठहरने का स्थान और 28 स्तंभ के चौक में तकतरवा का स्थान। अब देखते हैं कि तकतरवा बना कैसे है। ये तकतरवा, अब इसकी शोभा देखते हैं कि तकतरवा कैसा आया है। ये हमारे 16 पहल का तकतरवा, पहल से मतलब ये कट्स, ये वाले कट 16 हांस कह लो, 16 पहल कर कह लो, तो ये 16 पहल, एक पहल ये, ऐसे दो कट, तीन कट, ऐसे पूरे हमारे 16 कट्स हैं। 16 पहल का तकतरवा जिसमें 16 डांडे, 16 पाए, पाए मतलब ये जो नीचे वाले डांडे भी ऐसे 16 आएंगे, और सुंदर हमारी ये छतरियां जो मेहराब बनी हुई है हर कट्स में, ऊपर हमारा गुम्मट कलश और पताका ऊपर, और ये गुमटियां छोटी, इनको क्या कहते हैं, कलश और गुमटियां, कलश हाँ, गुम्मट इधर और ये कलश, 16 कलश हमारे ये वाले होंगे और इनपे सब ध्वज पताका सब चलते हैं, और इसमें हम सब 12000 एक साथ बैठते हैं, सब मिलके यहाँ पे बैठते हैं। तो ये तकतरवा की शोभा, और जो ये कठेड़ा लगा हुआ है ना, जब हमने सबने जहाँ बैठना, जब यहाँ से हमने बैठना है तो ये सीढ़ी बन जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक ये खुल जाता है, 12000 सखियां जब यहाँ से ऊपर चढ़ेंगी तो ये सीढ़ी बन जाती है उस जगह पे, कि अगवानी करने के लिए सीढ़ी बन जाएगी, सुंदर साथ आराम से यहाँ सब मिलके हम सब बैठ के सैर के लिए चलेंगे। ये हमारे तकतरवा, और अब देखते हैं सुखपाल की शोभा कैसी आई है। ये सुखपाल हमारे, इसमें क्या है, 4 पाए, अब पाए इनके इस शेप के सुंदरता लिए हुए, 4 डांडे। ये कितने मंदिर का है, ये है कितने मंदिर का है, 9 हाथ का। अच्छा 9 हाथ का, और चौड़ाई में 4 हाथ का। 9 हाथ से मतलब कैसे होता है दीदी, कि 9 हाथ क्यों बोलते हैं इनको, कि इसको जैसे एक मीटर माना जाता है ना यहाँ पर, एक हाथ जैसे मीटर जैसे नाप लेते थे ना, ऐसे ही हाथ माना जाता है यहाँ पर, ये अच्छा। 3-3 हाथ के बैठने की और 3 हाथ के बीच में जगह है पैर रखने के लिए, पैर रखने के लिए, और यहाँ पे चौकियां भी रखी हुई है। तो यहाँ पे हमारे दो अच्छा हाँ गोफने भी लगे पकड़ने के लिए, हाँ वो गोफने तो है, ऊपर हमारे गुम्मट और ये कलश और ये मोतियों की झालर, सुंदर ये डंडे। अब जैसे हम यहाँ बैठते हैं तो पकड़ने के लिए, जैसे होता है ना कि ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, तो एक पकड़ने के लिए, कोई वहां उड़ेंगे नहीं हम, लेकिन एक ये सुंदरता कि यहाँ पकड़ने के लिए हम पकड़ के सखियां बैठी हैं आमने सामने मुख कर कर ये सब मिलके, और हमारे यहाँ पे 3 तकिए
आगे पीछे आमने सामने सैर के लिए जा रहे हैं, ये हमारे हेलीकॉप्टर समझ लो, ये यहाँ के, और वो हमारे हवाई जहाज तख्तरवा जिसमें बहुत सारे एक साथ बैठ जाते हैं, तो ये उसकी शोभा। तो ऐसे जब हम असवारी के समय हम सब याद करें कि कैसे 25 पक्ष के सुख लेते थे, उस समय श्री राज जी के आशिक खिलौने हाजिर हो जाते हैं और अपनी अपनी सेना समेत सभी असवारी को घेर कर चलते हैं, यानी कि यहाँ के आसपास सब अपनी असवारी राजी श्यामा जी के पास घेर के चलेंगे, कोई राजी को निहार रहे हैं, मतलब बड़े प्यार से जब तख्तरवा में बैठते हैं तो आपस में सुंदर साथ मिलके मस्तियां करते हुए चलते हैं, और सुखपाल में होते हैं तो यहाँ पे सब अपनी असवारी पे आसपास जो भी है सभी पशु पक्षी और कई तरह के करतब करके रिझाते हैं, यानी कि जब राज्जी की सवारी ऊपर आसमान में चल रही होती है तो रस्ते में करतब करके राज्जी को खुश करते हैं। पशु पक्षी तरह तरह के अनोखे खेल करके प्रीतम को प्रसन्न करते हैं, पियू पियू की गुंजार से पूरा वतन गूंज उठता है, यानी कि पूरे आसमान में जब पशु पक्षी पिया पिया तू ही कहते हैं तो पूरे परम धाम में आवाजें गूंजने लगती हैं मेरे पिया की, और इतनी मीठी इतनी स्वीट इतनी मतलब बहुत ही प्यारी आवाजों से राजजी महाराज को रिझाते हुए चलते हैं। और फिर एक लीला और पढ़ी थी हमने लालदास जी की बड़ी व्रत में कि जो तोते होते हैं ना वो आ करके श्री राजजी को फूल पेश करते हैं, जैसे तोता यहाँ उड़ रहा है तो बड़े प्रेम से आके राजजी श्यामा जी को फूल पेश करते हैं, नूर ही नूर छा जाता है, और कोई सखी श्री राजजी के सुखपाल को सुखपाल के नजदीक रखती है कि उनकी मीठी मीठी बातें सुन सके, जैसे राजजी श्यामा जी जब बातें करते हैं तो सखियां अपना सुखपाल यहाँ पास में ही रखती हैं कि हम कान लगा के उनकी बातों को सुन सके, और कोई तो उनकी छवि को निहारती रहती है, और ये सुख हम कब महसूस करेंगे चितवन के द्वारा, अभी तो हम इलम से ये बोल रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है, लेकिन जब चितवन में रूबरू ये सुख मिलेगा तो उसका आनंद ही और कुछ है। तो ये हमारी छठी भोम की शोभा, इसमें हमने देखा कि हमारे सुखपाल कहाँ रुकते हैं और तख्तरवा कहाँ रुकता है, दो थंबों की हार तीन गलियों में, पहली गली में सुखपाल और 28 थंब के चौक में तख्तरवा, परसाल की जगह परसाल, मंदिरों की जगह मंदिर, और भी शोभा जो सेम है, यानी कि जो नौ फिरावे आए थे वो भी सब सेम अंदर आएंगे, तो ये ना समझे कि बाकी की चीज यहाँ कुछ नहीं आएगी, सेम वैसी शोभा नीचे, नौ चौक अपनी जगह पे, हवेलियां अपनी जगह पे, सब कुछ वैसे ही आएगा, पूरी छठी भौम हमारी सुखपाल। तो अब हम चलते हैं यहाँ से सातवीं भौम, अपने साथ आशु इसको आप रिवाइज कराओ, और कोई सुंदर साथ नहीं है, आप छठी भौम को रिवाइज कराओ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, जब हम पांचवी भौम में पहली रसोई की हवेली से जो सीढ़ियों वाला मंदिर आया है, उस सीढ़ियों वाले मंदिर के बाद आशु तुम्हारी आवाज कट रही है, नहीं हाँ आवाज कट रही है तुम्हारी, पहली जो हवेली से जब आशु आशु मेरी बात सुनो, हाँ जी आवाज आ रही है दीदी, कटती है, नेट की प्रॉब्लम है, कटती है बीच बीच में ना, ब्लिंक करती है, कटती है तुम्हारी आवाज। तो आरती है हमारे पास, आरती जी आरती है अवेलेबल, अच्छा तो आरती को आरती अनम्यूट होके बोल सकते हो, हाँ जी अनम्यूट नहीं हो रहा था, अच्छा नहीं हो रहा भाई, अनम्यूट नहीं हो रहा था बार बार, अब हो गया, अब हो गया, आरती को होस्ट है वो कर सकती है अनम्यूट, हो गया अब हो गया, हाँ ठीक है, आ रही आवाज मेरी, हाँ जी हाँ जी, हाथ में रखो, हाँ पास में रखो, हाँ जी बोलो, सुखपाल पांचवी भौम से छठी भौम से, ये छठी भौम का वर्णन रसोई, हाँ यही से, यही से,
पांचवी भूम से हम पहले ऊपर छठी भूम में आएंगे सीढ़ी वाले मंदिर से। सुंदर साथ की आवाज कटती है, थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ तुम्हारी बोलने वक्त आवाज कटती है, कोई बात नहीं सोनू, तुम्हें समझ में आया है तो तुम रिवाइज कर सकते हो सोनू, नहीं तो हम समझ में तो आया है पर मैं अभी रिवाइज नहीं कर पाऊंगी दीदी। ओके, समझ आ गया, चलो कोई बात नहीं, कल हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि थोड़ा सा हमारे साथ आप चलो, ठीक है। हम सुंदर सार ये देखेंगे, छठी भूम की शोभा हमने समझी, अब हम चलते हैं सातवीं भूम। पांचवी में शयन की लीला, छठी में सुखपाल यानी कि गैराज के ठहरने का स्थान और तख्तरवा के ठहरने का स्थान। सुंदर साथ कोशिश करें अपना नेट जहां अच्छा हो तो कोशिश करें वहीं पे हो या फिर अपनी सेटिंग मतलब ठीक रखें। अब हम चलते हैं सातवीं भूम में, सातवीं भूम की क्या शोभा थी, सब नीचे से दोबारा से रिवाइज करेंगे। पहली भूम रसोई की हवेली और म्यूट कर लेंगे म्यूट करेंगे। पहली भूम में रसोई की हवेली और मूल मिलावा, दूसरी भूम में भूलवनी और खड़ोकली, तीसरी भूम में इसका म्यूट करेंगे। सुनो आप म्यूट कर दो, कोई खुला है तो, मुझे खांसी की आवाज आ रही है। तो तीसरी भूम की पड़साल, चौथी में हमारी निरत की हवेली, सब अंदर अंदर बोलेंगे, सबको पक्का हो जाएगा बिल्कुल। चौथी भूम में निरत की हवेली, पांचवी भूम शयन के मंदिर, छठी भूम सुखपाल के ठहरने का स्थान जो हमने ये करी है अभी। अब सातवीं में क्या है हमारे हिंडोले, ये सातवीं भूम हिंडोले, जिसमें दो ताली के हिंडोलों की शोभा आएगी। अब उसकी शोभा हम समझते हैं, ये हमारी सातवीं भूम। ये देखो सुंदर साहब जी, ये पड़साल, नीचे जहां पड़साल आ रही है सेम उसी जगह पे पड़साल। लीला हमारी तीसरी भूम में होती है लेकिन पड़साल सब जगह बनी हुई, वही छज्जा हमारा आगे वैसे ही बड़ा हुआ आ रहा है, दरवाजे के ऊपर दरवाजा, चार मंदिर वैसे ही आ रहे हैं और यहाँ पे जो शोभा नीचे आई थी सेम वैसे। और अब ये देखो मंदिरों की पहली हार, 6000 मंदिरों की ये पहली हार पूरी गुलाई में जो घूमी थी, और ये दूसरी मंदिरों की हार। तो बीच में हमारे क्या आया था, दो थंबों की हार, तीन गलियां। ठीक है, अब इसमें झूले कैसे आएंगे, जैसे ये थंब लगे हुए हैं, अब थंबों में मेहराबे भी बन जाती हैं, तो उस मेहराब में हमारे झूला लग जाता है। ये जैसे ये मेहराब है, इस मेहराब के अंदर बीच में झूला, इस वाली मेहराब में भी झूला, तो ये आमने सामने दो झूलों की ये लीला, दो ताली की, दो झूले तो दो ताली होगी, दो ताली के पिंडोलों की शोभा। ये हमारी सातवीं भूम, सातवीं भूम में दो ताली की होती है और आठवीं में चार ताली के, तो फर्क कितना होएगा आठवीं में कि यहाँ बीच वाली मेहराब में भी हिंडोला आ जाता है, लेकिन अभी हम सातवीं को अच्छे से समझते हैं। 28 स्तंभ की चौक की जगह 28 स्तंभ का चौक, मंदिरों की हार दूसरी उसकी जगह दूसरी मंदिरों की हार, और वैसे ही पूरे 9 फिरावे वैसे आएंगे, 9 चौक देखो इस जगह सब सेम आया है, और ये हमारे पानी के स्तून सेम उसी जगह जा रहे हैं, बिल्कुल वही शोभा सेम। पर कितना है कि जो ये दो थंबों की हार तीन गलियां थी तो उनमें थंबों की मेहराबों में झूले घेर कर पूरे इसमें आए। जब हमने यहाँ पे झूले की लिए आना होता है सुंदर साथ, जैसे जब राजेश श्यामा जी तीसरी भूम की पीलो पीलो में आराम कर रहे होते हैं तो कोई सखी यहाँ पे आ जाती है, तो पहले तो झूले ऊपर होते हैं, जब सखियां जैसे ही यहाँ आती है तो चक्री खा के झूले नीचे हो जाते हैं।
तो ये झूलों की और कलर नक्शा देखते हैं। ये शोभा, ये देखो ये हमारे बाहरी हार मंदिरों की है, फिर ये थंब आ गए, ये वाले ये थंब लग रहे हैं ना, इनके मेहराब बन गई ऐसे, और बीच में झूला लग गया, तो ये दूसरी थंबों की हार, इनकी भी मेहराब बन गई, तो बीच में झूला, तो दो ताली के हिंडोले आमने सामने, हम सब चाहे राजी श्यामा जी के साथ आमने सामने बैठे, चाहे सखियां बैठे, कोई भी बैठ के यहाँ पे राजी के साथ आनंद करते हैं, सखियों के साथ आनंद करते हैं, कभी कभी हमारे साथ राजी भी यहाँ पे आते हैं और कभी कभी हम सखियां आती हैं। और ये जो झूले होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ये वाले जो झूलों का एक मतलब, इनको बोलते हैं खट छप्पर के हिंडोले, खट छप्पर के हिंडोले, इनकी शेप यानी कि डिफरेंट होती है, पूरी बेड जैसा बना होता है, जिसके ये चार पाए चार डांडे, और ऐसे बेड की तरह इसमें निवार भी जैसे होते हैं ना, निवार से बुना होता है, ये ज्वारदास महाराज जी की व्रत में लिखा हुआ है, और इसकी बेड की तरह शेप, और जंजीरें पूरी चार जंजीरें सोने की जंजीरों से ऐसे चार जंजीरें कोने पे जाएंगी ये, और ऊपर छतरी, बीच में ऊपर कलश और बीच में छतरी की शोभा, तो इनको क्या कहते हैं, खट छप्पर के हिंडोले, और दो ताली की सातवीं भोम में जो लीला होती है ये शोभा सातवीं भोम में। वो सातवीं भोम में दो ताली के हिंडोले, तो ये आठवीं भोम में चार ताली के हिंडोले। सुंदर साथ ये ना सोचे कि सब जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन कुछ मतलब कुछ ऐसे सिंपल है, कोई शोभा ऐसे कुछ कठिन नहीं है समझने के लिए, क्योंकि एक चीज समझ ली है दो ताली की, तो यहाँ पे चार ताली के बीच वाली मेहराब में भी हिंडोला आ जाएगा, जैसे दो मेहराबों में इधर दो हिंडोले हैं, तो एक बीच वाली मेहराब भी बन जाएगी, तो बीच में भी हिंडोला लग जाएगा, तो चार ताली के हिंडोले हो जाएंगे, ये भी खट छप्पर के हिंडोले, परसाल की जगह परसाल, दरवाजे के ऊपर दरवाजे, और ये मंदिर, और ये मंदिरों की हार भी वैसे ही जा रही है, तो दो थंबों की हार तीन गलिये में, यहाँ पे चार ताली के हिंडोले की लीला होती है, कि यहाँ पे आमने सामने 18,000 हो जाते हैं, 18,000 हिंडोले। अच्छा, और उसमें कितने होते हैं दीदी, उसमें 12,000। ठीक है, हाँ ये एक शोभा, और कि सातवीं भोम में 12,000 हिंडोले और आठवीं भोम में 18,000 हिंडोले, क्योंकि बीच के मेहराब में भी हो गए, तो 18,000 हिंडोले, ऐसी शोभा चार ताली के हिंडोलों की शोभा हो जाएगी। और कुछ शोभा दीदी इसमें रही है हमारी, पांचवी छठी और सातवीं में कोई शोभा रही है? नहीं, बिल्कुल हो गई, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से पूरी पहली भोम की शोभा और पूरी पहली से दीदी आठवीं तक छोटे छोटे करके आप ये शोभा पूरा कंटिन्यू में हर एक शोभा धीरे धीरे, अभी हमारे पास टाइम है, पहले से लेकर आठवीं तक शॉर्ट में जो जो हमारा जरूरी है वो आप सुंदर साथ को थोड़ा सा रिवाइज करा दे, क्योंकि हर चीज उनको अच्छे से, हाँ जी आप बोले, क्योंकि उनके नेट सही नहीं आ रहे दीदी, ये प्रॉब्लम है। हाँ, आप बोलो, मैं कौन सा नक्शा स्टार्ट से खोलूंगी, तो आप स्टार्टिंग से लेकर, हाँ स्टार्टिंग से पहली से राजकोट वाला बहुत अच्छा, ओके हाँ वो मैं निकालती हूँ, ऊपर चांदी नहीं दिखाना, नीचे से दिखाना, ठीक है दीदी, जो आप कहेंगे वो वाले, नीचे से है ना? हाँ जी हाँ, इसका फोकस नीचे का, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी ये ठीक है, कोई और डालो, हाँ हाँ ठीक, हाँ जी सुंदर साहब जी, नीचे से लेके चांदनी चौक से हम चलते हैं, चांदनी चौक की शोभा देखी, हरा लाल वृक्ष, हरा लाल वृक्ष की शोभा को देखेंगे,
166x166 का चांदनी चौक, उसके बाद ऊपर चढ़ने के लिए 100 सीढ़ी 20 चांदे, 5 सीढ़ी के बाद चांदा आ रहा है, 5वीं सीढ़ी के बराबर ही चांदा आ रहा है, इसलिए दोनों तरफ प्रकोटे की शोभा भी है, जिसको कठेड़ा भी कह सकते हैं, पकड़ने के लिए शोभा है। रंग बिरंगी गिलम बिछी हुई है। 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ करके हम चौक में आ जाएंगे, तो चौक की दोनों तरफ हमें चबूतरों की शोभा दिखाई देगी। इन चबूतरों की शोभा को देखेंगे, जिसके ऊपर हीरा माणिक पुखराज पाच और नीलवी के थम, ये दोनों चबूतरे जो हैं एक पगथी ऊंचे, दोनों तरफ तीनों तरफ कठेड़ा भी लगा हुआ है इसके दोनों तरफ, इधर दक्षिण की तरफ भी और उत्तर की। अब हम धाम दरवाजे की शोभा को देखेंगे, आगे जाएंगे तो दो भौम ऊंचा धाम दरवाजा है। धाम दरवाजे की शोभा को देखेंगे, उसकी सेंदुरिया रंग की चौखट, बेनी हरे रंग की, दर्पण रंग का कीवार, ऊपर जो है उसकी दूसरी भौम जो है दूसरी भौम में आएगी। ये अब इस दर्पण रंग का कीवार की शोभा को देखते अंदर जाएंगे तो 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ का चौक जय, बेशमार सोफे कुर्सियों की शोभा, ऊपर चंद्रमा नीचे गिलम, चारों तरफ हम देखेंगे तो 6000 मंदिरों की हार, दो थम तीन गलियां, 6000 मंदिरों की हार और फिर दो थम तीन गली, बीच में सामने हमें क्या दिखाई देगा, 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ की चौक की शोभा को देख करके अब हम आगे जाएंगे तो एक गली को पार करेंगे तो 9 जो है हमें दिखाई देंगी, 9 चार चार की एक एक जो है फिरावा दिखाई देगा, 4 चौरस हवेलियां, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, फिर चौरस, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल, इस तरह से 8 फिरावे दिखाई देंगे और 9वां फिरावा जो है पंच महलों का हमें दिखाई देगा और इसके बाद 28 मंदिरों की फुलवाड़ी, बीच में 9 चौक जो शयन कक्ष हमारे ऊपर हैं, लेकिन 9 चौक यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर 4 स्तून जो है पानी के ऊपर जाएंगे। अब ये हम देख रहे हैं कि पहली 4 चौरस जो हवेलियां हैं, इनमें से पहली चौरस हवेली जो है वो हमारी रसोई की हवेली है। जब इसके अंदर जाएंगे तो मंदिरों की मंदिर दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पर 11 मंदिरों की दहलान है, दोनों तरफ 5-5 मंदिर है। ऐसे ही ये एक दहलान जो है पूरब में है, एक उत्तर दिशा में है, पहले 10 मंदिर छोड़ करके बड़ा दरवाजा छोड़ करके 10 मंदिरों की दहलान उत्तर में दिखाई दे रहे। अब देखते हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ भी 10 मंदिर, फिर एक बड़ा दरवाजा, फिर दहलान, पीछे दीवार है, हालांकि पूरब में दीवार नहीं पर छत जरूर है, ऐसा नहीं कि ऊपर छत नहीं है। अब ये तीनों दहलाने और बीच एक चारों तरफ घूम करके थंबों की हार, दो गलियां और बीच में चबूतरा, चबूतरे के ऊपर लगे हुए चारों तरफ थंब, थंबों में कठेड़ा, बीच में गिलम बिछी हुई है और क्या रखा हुआ है, सिंहासन। अब हम इस ये हमारी मेन शोभा है और इसके बीच में हम देख रहे हैं कि जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में कॉर्नर का मंदिर छोड़ करके मंदिर है हमारा श्याम, और दूसरा मंदिर है सीढ़ियों वाला मंदिर, और तीसरा मंदिर है हमारा श्वेत मंदिर। यहाँ की हमने शोभा को देखा और 4 इसके बाद 3 हमने रसोई की हवेली के बाद 2 थम 3 गलियां, फिर दूसरी हवेली, दूसरी हवेली में जैसे पहले दहलान है वहां दहलान नहीं है, मंदिर है, द्वार है, इस शोभा को देखेंगे और दूसरी तीसरी चौथी हवेली को पार करके हम 5वीं गोल मूल मिलावा, इस मूल मिलावा की शोभा में जाएंगे। 64 थम, 2 थम 3 गलियां जो है, एक थंबों की हार चौरस हवेली की और एक थंबों की हार
गोल हवेली की ओर घूम करके जा रहे। अब जाके देखते हैं मंदिर है, चार द्वार हैं और उसके बाद भी अंदर एक थम दो गली हैं, उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ी। अब हम ऊपर जाएंगे तो क्या है, बीच में जो हमारा चबूतरा है सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर राजी श्यामा जी विराजमान है, आगे कैसे नूर की चौकी है, हम युगल स्वरूप की शोभा को निहारेंगे और इनकी शोभा को निहार करके ऊपर गिलम है, नीचे गिलम है, ऊपर चंद्रमा है, कैसे थंब हैं, पांच के नीलवी के दक्षिण पश्चिम में नीलवी और पांच के उत्तर में पुखराज पहाड़। याद रखना सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ जैसे उत्तर दिशा में है तो इसकी आभा जो है इधर दो थंब बीच के पुखराज के हैं और दोनों तरफ जो है वो माणिक के हैं। इधर माणिक पहाड़ है दक्षिण दिशा में तो बीच के दो थंब जो है वो माणिक के हैं और दोनों तरफ जो है वो पुखराज के हैं। बीच में बारह बारह जो है वो थंब है, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर और कंचन। इस शोभा मूल मिलावा की शोभा को देखेंगे, ये हमारी विशेष शोभा है पहली भूम की। अब दूसरी भूम में हम चलेंगे, वैसे ही सीढ़ियों वाले मंदिर से हम दूसरी भूम में चले जाएंगे। अब जब दूसरी भूम में मेन क्या है, जो नीचे दरवाजा है बड़ा दरवाजा, ये दो मंदिर का ऊंचा है और इस मंदिर में ऊपर जो है झरोखा बना हुआ है। झरोखा देखिए, इसमें क्या है, छह जाली द्वार है, दो अंदर जाने के द्वार है और जो बीच में दो जाली द्वार है उसके बीच में यहाँ पर झरोखा आया है। बाकी झरोखे छोटे हैं लेकिन यहाँ झरोखा बहुत बड़ा है। ये चांदनी चौक में पूरी शोभा हम देख सकते हैं, पूरी यमुना जी की शोभा, सातों घाटों की शोभा यहाँ बैठ करके हम देखेंगे। इसके ऊपर जाने के लिए कुछ सुंदर साज जैसे पूछ रहे थे तो यहाँ पर ये जो झरोखा है वो कमर भर ऊंचा है। यहाँ बड़ा मंदिर है, मंदिर पीछे भी द्वार है आगे भी द्वार है, इनसे हम तीन सीढ़ी चढ़ करके इस झरोखे की अंदर आ जाएंगी और झरोखे में बैठ करके हम बाहर की शोभा को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम ये अंदर जाएंगे दूसरी भूम में। अब हमने क्या देखना है, इसमें भूलवनी बनी हुई, भूलवनी में जाने के लिए रसोई की हवेली के बाहर जब हम जाएंगे तो दो थम तीन गलियां जो आती हैं चौरस हवेली में, तो उसकी एक जो मंदिरों की बीच की जो गली है उसमें से जब हम जाएंगे उत्तर की दिशा में तो वहां पर हमें 1200 मंदिर जो हैं वो छूट जाएंगे लाल चबूतरे के, और 300 मंदिरों में से 110 मंदिर ले लिए, 190 मंदिर ईशान कोने के भी हमने छोड़ दिए हवाई कोने के, और बीच में 110 मंदिर के सामने जो चार चौरस हवेली बनी हुई है, चार चौरस हवेली के चार फिरावे हम लेंगे, चार चौरस हवेलियां अर्थात 16 हवेलियों के बीच में हमारी बनी हुई है भूलवनी। ये भूलवनी के मंदिर जो है 12,000 मंदिर है और बीच में 100 मंदिर का क्या है चबूतरा जिसके ऊपर राजी श्यामा जी विराजमान होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भूलवनी के मंदिर जो है ये हमें भुलाने के लिए, इसमें ऊपर नीचे दीवारें सब शीशे के ही लगे हुए हैं, कई प्रतिबिंब जो है बन जाते हैं, जैसे राजी दौड़ते हैं हम राजी को दौड़ पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो कई जो है प्रतिबिंब दिखाई देते, असल नकल का पता ही नहीं चलता। इस तरह से हम भूलवनी की शोभा को देखेंगे और जब बाहर आएंगे तो वहीं पर नौ ऐसे मंदिर को दो थम तीन गलियां पार करेंगे, मंदिरों की हार है, फिर दो थम तीन गलियां मंदिरों की पार करके बाहर आएंगे तो 110 मंदिर के बीच में जो 30 मंदिर है वो वहां पर क्या बनी हुई है खड़ोकली। ये खड़ोकली भी शोभा बाद में बताई जाएगी, कुएं की तरह ऊपर उठी है, ये हमारा स्विमिंग पूल है यहाँ पर, ये बीच में ताल जो है वो 28 मंदिर का ताल है, ये तीन भूम गहरा है। यहाँ पर मंदिरों में इनमें हम
भूल ये जो खड़ोकली है, गड़ोकली में हम झीलना करते हैं, झीलना करके इन मंदिरों पर भी श्रृंगार करते हैं और भूलवनी के जो चबूतरा है वहां पर भी हम श्रृंगार करते हैं। इसमें विशेष जो है भूलवनी है, खड़ोकली है और झरोखा है दूसरी भूम में। और अब हम तीसरी भूम में जाएंगे। हाँ, दीदी, दूसरी भूम के लिए टाइम दीदी। हाँ, दूसरी भूम तक ठीक है। हाँ बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साजी टाइम हो गया,